सिगरेट पीने वाले हैं इसने लगाई वी आर नॉट पंजाबी वी आर सिंधीज। हेलो एवरीवन, सो ये था हमारा लास्ट रोज़ा यानी कि सहरी के बाद के तासुरात। और सहरी के बाद रोशनी हो गई थी, मुझे नींद आ नहीं रही थी, शायद रमज़ान जाने के दुख में या फिर ईद की खुशी में। खैर ईद की खुशी तो थी नहीं इतनी, तो रमज़ान जाने का दुख ही होगा। देन चली गई मैं गैलरी में, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा खुशगवार मौसम था, फिर जाके मुझे नींद आई है। हाय एवरीवन, ईद मुबारक और चांद रात मुबारक। चांद नज़र आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबके अच्छे खासे रोज़े गुजर गए और आप सबके भी। अभी हम करेंगे वही चांद रात पे जो करती हैं लड़कियां। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ, लेपा पोती नहीं जो फेस की करते हैं वो मैं नहीं करती, क्योंकि सारा साल ही अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ, इसलिए ज़्यादा लेपा पोती की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो नहीं करती मैं। चांद रात पे मेहंदी वगैरह लगाएंगे और जो करना होगा वो चीज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अभी नमाज, क्योंकि रमज़ान चला गया है। ये नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़ते हैं फिर मिलते हैं। वाह कितनी अच्छी लग रही हूँ यार, मैंने ये पहना है अभी अभी नमाज के लिए, ठीक है, साफ़ सुथरा ड्रेस था और इस्त्री हुआ यही पड़ा था सामने, अच्छा है ना, मुझे बड़ा पसंद है और मुझे बड़ा पसंद है। कौन है ये लोग? बस मेरी सिस्टर आने लगी है ब्लॉग में, क्योंकि आज वो आ सकती है। क्या करेगी? अंतिम संस्कार मिलेगी ना, फिर हम केटी से जाके पक्स लेंगे। हमें मिलती वर्किंग वुमेन्स तो लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग तो खुद खुद अर्न करते हो, खुद कमाते हो, हम क्यों लगता है कि हमको ज्यादा ही कमा रहे हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। सो गाइस, अजान हैप्पी बर्थडे नाइट। जल्दी दे, गेट बंद कर दिया अभी। यस वी आर नॉट पंजाबी वी आर सिंधीज, आर सिंधीज। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। सो गाइज, ये आप लोग से मिलने आई हैं, समझ के चलो गाइज से मिलो, कैमरा में देखो। हेलो गाइज, और आज आई हूँ बर्तन वर्तन धो के आई, देखो, और मूनलाइट ब्लॉग के पास मेरी ऑडियंस से मिलने और उनको क्या मुबारकबाद दो। ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। उधर देखो क्या रिश्ता थोड़ी लेने आए, नहीं भागे और चांद रात मुबारक भी बोल दो। चांद रात मुबारक और सालगिरह मुबारक और नया साल मुबारक, सब कुछ मुबारक, क्योंकि फिर अब मैं साल बाद आऊंगी। शबे बरात मुने आ गया, शबे मेराज, शबे आ गया, लैलतुल कदर और जो भी जितने भी कदर है मुने आप भी बोल दें। सो अभी हम वो बच्चे वगैरह आ गए थे इसलिए बहुत शोर था, अजान चुप करके बैठे हैं, ठीक है, तो अभी हम क्या करने लगे, मुंह से हाथ हटाओ, मुंह से हाथ निकालो, मुंह से हाथ यार, मुंह से हाथ हटाओ, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार मेहंदी लगा रही हूँ कोई ढंग की। She is lying, lying. चल झूठा। नहीं मतलब की पहली बार ही लगा रही हूँ, मतलब लो... हमेशा हर ईद पे मेरी यहाँ पे टिक्की होती है और यहाँ पे दाब होती है, मेरी भी यहाँ पे जमीन। अच्छा ओए, आप लोग सोचेंगे कि मैंने माचिस क्यों पकड़ा है, क्योंकि हम सिगरेट पीने वाले। कुछ भी है जलने वाला भी और जलाने वाले। अरे कहना क्या चाहते हो? शट द अब यहाँ हम लगाएंगे बीप बीप। गाइस ये तो आजाद हो गए क्या? नहीं यहाँ हम बीप 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 लगाएंगे। चले हम ना यार, हम जो कैंडल्स लाए थे नई वाली उसको हम जलाएंगे, वो दिखाए उसके बाद वो देखी है सबने, उस दिन मैं दिखा दी थी, दोबारा देखी। चांद नजर आया, चले कैंडल्स जलाते हैं हम। हम ये देखना चाहते हैं कि ये सेंटेड कैंडल्स किस देती है कि नहीं देती। हाँ क्योंकि हम लोगों ने प्रैंक हो गया है, कभी ट्राई नहीं किया। 100 रुपए का पूरे सबको पता है, यानी कि 150 150 मैंने बताया था, 300। अब हम इसको जला के देखते हैं कि खुशबू आती है कि नहीं आती। नहीं आई तो फिर पैसा वसूल नहीं हुआ, आ गई तो वसूल। चांद आया, चांद नजर आया, मेरा ध्यान ना
उधर से हवा आ रही है। और ध्यान ना पड़ी गाइस, ये अभी देखते हैं घंटे तक इसमें इसकी कभी खुशी कभी गम, खुशबू कैसे देगी कहीं इसके धुएं से तो खुशबू नहीं है लेकिन इसमें से तो भांस आ रही है। गाइस आपको इधर से आ रही है सूंघ के नहीं आ रही? अब देखते हैं कि क्या होता है। दोबारा जलाते हैं ओके, क्योंकि मैं भी ये अच्छा आ रहा हूँ। हाँ तो गाइस जब हम कुछ करते हैं तो ये सारे ऐसे देखने आते हैं, जैसे लोग खड़े होकर लड़ाई देखते हैं ना, तो हमारे घर पे भी ऐसे ही होता है। और रमेशा ने ब्राइडल वाली मेहंदी लगाई है पता नहीं कहाँ से। बस इसको वो दे देना। अबे भाई, अबे भाई, इसमें सूंघना है कि खुशबू आ रही है? तो थोड़ी देर जला के रखते हैं। अच्छा खुद ही खुशबू आ रही है? बंद क्या? पता नहीं मैंने सुना है। बंद कर, अभी हम देखते। हाँ लाइट बंद क्या? हाँ लाइट बंद कर। हाँ कभी खुशी कभी गम, बड़ा वो नहीं होता क्या? नहीं, पूजा वाला कौन सा? मेरी सो में तू है, एक कॉपीराइट आ जाएगा। गाने पे नहीं आता। अच्छा ना कर, चले हम इसको रखते हैं। दूसरा मैं चंबो रही थी मैं। अभी फजीला लेकर आई है चार रात पे फारी करके, और दिखाओ वो चूड़ियां लाई हो, यही लाने थे तो कल ही ले आती। और बताओ जरा ये वाली चूड़ियां तुम कितने की लाई हो? इतनी सी चूड़ियां 3500 की कह रहा था, बट मैंने ये दोनों सेट लिए उससे 500 रुपए। 500 की चूड़ियां लेकर आई है, दिमाग इसका चल गया है गाइस। नहीं गाइस अब ये 350 की मिलती है आजकल, बहुत महंगी महंगाई हो गई, चूड़ियां भी बहुत महंगी। और ये अब पता है क्या करेगी, जाती है किसी ना किसी के घर, उनके वॉशरूम में चूड़ियां उतार के आ जाती है 3500 की चूड़ियां। और ये स्नैक्स लाई, अभी हम मेहंदी लगाएंगे और सेटअप वेटअप कराएंगे, तो फिर हम स्नैक्स खाएंगे साथ साथ। तो गाइस हमने इसकी मेहंदी स्टार्ट कर दी और अब हमें घंटे लगने वाले हैं। मैं बोर हो रही हूँ और खुद फ़ोन यूज़ कर रही है, इसके हाथ में। आई थिंक माई हैंड्स लुक लिटिल बिट हेयरी, सो वी शुड रिमूव दैट। सो गाइस मैंने ये अप्लाई कर लिया, 15 मिनट बाद हम इसको रिमूव करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे क्या क्या देखना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट गाइस। गाइस और कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है, और साथ में हम ब्लैक कुरकुरे, साथ में जब सारी जो भड़ास निकालने थे वो मेरी मेहंदी पे। अभी देखिए इसकी फाइनेंस चेक करें आपके, कितनी फाइन मेहंदी लगा रही है। सीधे करो ना, ये देखो। और अभी मैं आपको अपने भी दिखाती हूँ, सब करें आप इधर ही रहिएगा। अच्छी तो लगाई है, अच्छी लगाई है, बट ये थोड़ा टेढ़ा फेढ़ा नहीं हो गया गाइस? मैं अपने आप को तस्वीर, गाइस ये देखें, ये इसने लगाई है। तारा सी जिने कहते थे वो आंखें तुम्हारी हैं। मैं गाना सुनाती हूँ, चलो नहीं, आज मैं इकरा सवाल बनती हूँ, लोग कहेंगे कितनी बेसुरी है। आज मैं इकरा सवाल बनती हूँ, कौन सा गाना गाती है वो बोला, मैं बोले आसाया है ना, गुट रोया अपने तड़ दी खबर नहीं सजण दी खबर लवे को जब बेइज्जती है खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना को मैं बुले आसाया इसकी आवाज से मैं डिजाइन भूल गई मैं गुट गुट रोया मेरी गंदी मेहंदी लगा के अपने आटे विच लूण शुगर वाले आटे में लूणा मत पाना, मतलब शुगर वाले नहीं सॉरी जिसको ब्लड प्रेशर, हाँ बीपी बीपी जिसको बीपी का मसला हो ते तुसी आटे में लूणा नहीं पाना। आटे में लूणा नहीं पावांगे जिसको ब्लड प्रेशर दा मसला होगी। I love to talk in Punjabi language but I can't speak
English. I can't speak English as well. So please. अभी वो हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं, बोले बहुत अच्छे हैं हम. अभी हम मेहंदी लगा रहे हैं, एक को हम गंदी लगाते हैं, दो खुद को हम अच्छी लगाते हैं. गाइस 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 अब मैंने सारा कराची देखी है. मैंने मेरे को मेरा नाम क्या लिखा है, क्या लिखा है? ए जेड ए एन, मतलब एक दिल. एक दिल आजान का दिल है छोटा सा, और ये फजीला की मेहंदी है, और फजीला एक ना शुक्रिया औरत है. गाइस अजान भूखा है, तो अजान को सिर्फ कुरकुरे नजर आए. ओह माय गॉड, बंद कर अल्लाह को खा लो. नो ये जामे शनी का कर्शी ये रखेंगे ताकि सही, ताकि ये जल्दी से गोलदारा सही से सीधा बन जाए, वरना हमेशा इसका गोलदारा यहाँ बोल जाओ. वाओ कितनी अच्छी मैंने मेहंदी लगाई, आई एम मल्टी टैलेंटेड. और फिर भी ये ना शुक्री बना कर रही लोगों की मैंने देखी, इतनी गंदी गंदी दांपे लगा के बैठे हो. मेरा प्यार, अरे बेसुरी मेरी मेहंदी क्या. तो ये है जी मेरी मेहंदी. मुन्ने मेरी मेहंदी कैसी है, मुंह से बोलो. हाँ यार, सिंपल से मैंने मेहंदी लगाई. और इस बीच वाले गोलदारे में हम लिखेंगे उसका नाम जिससे हम करते हैं बहुत सारा प्यार. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मून, क्योंकि मूनलाइट तो सारा लिख नहीं सकती, और सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं करती हूँ खुद से. सबको खुद से ही प्यार करना चाहिए. आई लव माई सेल्फ मोर देन एनीथिंग. सो या इट्स मून. गाइज ये खुद ही अपनी मेहंदी लगा के आई है, और पता नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खुद लगा के आई है. वेल ये मेरी मेहंदी है, ये इसकी मेहंदी है. ये मैंने तकरीबन आधा घंटा बैठी. नहीं इतना टाइम नहीं लगाया, वैसे सही लगा के आ गई हो. यही तो होती है बस मेहंदी. मैंने लिखा है मून, हालांकि मुझे मेहंदी पकड़ना भी आती है. मेरे हाथ पे भी लगा दो, दूसरे पे. तुम्हारी मेहंदी मुझे लगी है हाथ पे, ये देखो. तुम्हारे मेरे भी लगा दो, दूसरे हाथ में वैसे ही फारिग हूँ. अभी सब फारिग हैं. वैसे लड़के कुछ ज्यादा तैयार होते हैं सलूनों पे, नाम सिर्फ लड़कियों का बदनाम होता है. आते हैं आ ऊंची, क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह डोंट डू दिस. ओ एमजी मेरी भी, मुझे भी लगा दो यार.